Hello students, welcome you all in my YouTube channel DPC Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the biology of class 10. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. Class 10th में हम लोग जो chapter study कर रहे थे that was how do organism reproduce. और लास्ट के क्लासेस में हमने बेसिक इसका एक स्ट्रक्चर पढ़ा कि बेसिकली हमें इन चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं. और हम लोगों ने दो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़े थे लास्ट की क्लास में, जिसमें से हमारा था एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक हमारा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो हम लोग आज की क्लास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बेसिकली हमारे दो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, जिसमें हमारा एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. दोनों का मेन डिफरेंस ये होता है बेसिकली कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल, और बाकी जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें खाली एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमारे कौन कौन से बेसिक डिफरेंट टाइप्स होते हैं ये हमने एक क्विक ओवरव्यू लास्ट की क्लास में ले लिया था. आज हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे फिजन की प्रोसेस, इसके थ्रू किस तरीके से ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने न्यू ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे. तो सबसे पहले स्टडी करेंगे फिजन. इट इज़ अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू क्रिएट टू न्यू इंडिविजुअल. इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बेसिकली होता है ये क्या होता है, ये हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक हमारा बाइनरी फिजन होता है और एक हमारा मल्टीपल फिजन होता है. बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जो हमारा एक सेल होता है वो दो इक्वल हाफ्स में स्प्लिट आउट कर जाते हैं और दो न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं. और जो हमारा मल्टीपल फिजन होता है उसमें बहुत सारे सेल्स हमारे जो प्रेजेंट होते हैं वो, जैसे सपोज एक सेल है तो वो क्या करता है डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में फ्यूजन करके प्रोसेस करता है और बहुत सारे सेल्स को रिलीज करता है. मींस इसमें मोर देन टू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं. और जो हमारा बाइनरी फिजन होता है इसमें हमारे बॉडी जो है वो दो पार्ट्स में आपस में डिवाइड होती है, जैसा कि आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारा एक सिंगल सेल है, ये सेल हमारा स्प्लिट आउट करता है और दो ऑर्गेनिज्म में फॉर्म करता है, और दो ऑर्गेनिज्म में फॉर्म होने के बाद दो अलग अलग न्यू इंडिविजुअल्स हमारे फॉर्म आउट करते हैं. ये हमारा यूगलीना का एग्जाम्पल है जो कि हमारा बाइनरी फिजन में वही इसमें दिया हुआ है. वन सेल स्प्लिट्स इनटू द इक्वल हाफ्स, एग्जाम्पल मेनी बैक्टीरियाज एंड प्रोटोजोआ लाइक एमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया. इसमें बेसिकली हमारा एक सेल जो होता है वो दो न्यू इंडिविजुअल्स को फॉर्म आउट करता है. मल्टीपल फिजन में क्या होता है, वन सेल डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली. और मल्टीपल सेल्स पे क्या होता है, एक सेल जो हमारा होता है वो बहुत सारी डॉटर सेल्स पे डिवाइडेड पहुंच जाता है और बहुत सारी डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है. कुछ हमारे सर्वाइव कर जाते हैं और कुछ हमारे उसी टाइम पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो ये हमारा हो गया दो टाइप्स के फ्यूजन, दैट इज बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन. आता है बडिंग की प्रोसेस आता है, जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि बडिंग, बडिंग मींस स्टार्टिंग का वर्ड हमारा क्या है, बड. बड मींस जो ऑर्गेनिज्म होता है इसमें स्मॉल बड की फॉर्मेशन होती है और उस बड की फॉर्मेशन जो होती है उसी से, उसी पार्ट से, बॉडी से जो है पेरेंट ऑर्गेनिज्म से, वो पार्ट हमारा अलग हो जाता है, डिटैच हो जाता है और एक न्यू डॉटर सेल हमारा फॉर्म होता है. ये हमारी बडिंग की प्रोसेस होती है जो कि हमारी ईस्ट और हाइड्रा में देखने को मिलती है. देख सकते हैं आप बडिंग में प्रोसेस इन विच एन आउटग्रोथ बर्ड, जो बड यहाँ पे फॉर्म होती है इज फॉर्म्ड ऑन द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म विच देन डिटैचेस एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म. इसमें जो हमारा ऑर्गेनिज्म होता है इसमें छोटी सी एक बड का फॉर्मेशन होता है और कुछ टाइम के बाद ये पेरेंट सेल से डिटैच हो जाती है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म में फॉर्म आउट हो जाती है और इसी तरीके से इसमें न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं. तो ये हमारा बडिंग का एग्जाम्पल हो गया. इसके बाद बडिंग का एग्जाम्पल ये हमारा ईस्ट का हो गया और ये हमारा हाइड्रा का हो गया. हाइड्रा में भी ऐसे ही होता है, आप देख सकते हैं कि ये हमारा पेरेंट ऑर्गेनिज्म में छोटी सी बड का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है,
कुछ टाइम के बाद वो ग्रो करती है जो कि हमारी डेवलपिंग बड हो गई। इसके बाद हमारा न्यू बड का फॉर्मेशन हो जाता है, जब ये एज अ अलोन एग्जिस्ट करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए पूरी तरीके से फिट हो जाता है, तो ये पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म में खुद को डिटैच कर लेता है, अलग कर लेता है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म का, न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये हमारा हो गया बडिंग की प्रोसेस। इसके बाद हमारा आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में आप लोग देख सकते हैं ये स्पैरो, स्पैरो की हमारा एक एग्जाम्पल है, स्पोरांजियम है हमारा। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे स्पोर्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है और ये बॉडी से अलग हो, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है ये अलग हो जाते हैं, फ्ल्यू करने लगते हैं और जहाँ पे इनकी जो सीड्स है वो फॉर्म मतलब पड़ती है वहीं से ये एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म ये जर्मिनेट कर जाते हैं। तो यही हमारा स्पोर फॉर्मेशन होता है। स्पोर फॉर्मेशन आर द माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडीज विद अ थिक वॉल्स। स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन द स्पोरांजियम। स्पोरांजियम में हमारा जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं स्मॉल स्मॉल स्पोर प्रेजेंट होते हैं। कुछ टाइम के बाद ये पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म से सेपरेट हो जाते हैं और जिस तरीके से ये लैंड पे जहाँ पे फॉल आउट करते हैं फ्ल्यू होने के बाद, वहीं से हमारा न्यू ऑर्गेनिज्म का जर्मिनेशन हो जाता है। इस स्पोर्स ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारा राइजोपस हो गया, पेनिसिलियम हो गया, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन एज अ नेम सजेस्ट कर रहा है कि इसमें जो हमारा ऑर्गेनिज्म होता है वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है और जो न्यू डिफरेंट डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में डिवाइड होता है वो हर एक फ्रैगमेंट जो होता है वो एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल हमारा स्पाइरोगैरा हो गया। फ्रैगमेंटेशन देख लेते हैं। इन दिस प्रोसेस एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप इंटू टू और मोर फ्रैगमेंट्स एंड ईच फ्रैगमेंट्स डेवलप इंटू अ अडल्ट ऑर्गेनिज्म। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक पैरेंट ऑर्गेनिज्म है, ये डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में ब्रेकआउट करता है और जो न्यू फ्रैगमेंट्स फॉर्म होते हैं वो खुद में एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म मतलब प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा फ्रैगमेंटेशन की प्रोसेस होती है। रीजनरेशन में होता है कि जो हमारा पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेकआउट कर जाता है और जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेकआउट करता है हर एक इंडिविजुअल पार्ट जो है वो एज अ न्यू पेरेंट इंडिविजुअल फॉर्म आउट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स ऑफ द पेरेंट इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज अ रीजनरेशन। रीजनरेशन इज कैरीड आउट बाय स्पेशलाइज सेल। ये हमारा हाइड्रा का एग्जाम्पल हो गया। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके जो बॉडी पार्ट है उससे अलग अलग पार्ट से, मतलब जैसे एक बॉडी सपोज पार्ट है उसमें हमने अलग अलग पार्ट्स को कट कर दिया और कट करने के बाद हर एक जो पार्ट, जो कट वाला पार्ट है वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म में फॉर्म आउट कर जाता है। तो ये हमारा हो गया रीजेनरेशन। नेक्स्ट हमारा जो आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट वो हमारा होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वेयर द वेजिटेटिव पार्ट्स मेनली रूट स्टेम एंड लीव्स गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारा वेजिटेटिव पार्ट होता है जैसे कि हमारा रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, इन सब से एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक हमारा होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और एक हमारा होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हमारे बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं जिसमें जो न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है वो हमारा लीफ से हो सकता है, हमारा स्टेम से हो सकता है, हमारा रूट से हो सकता है। जैसे कि आप सारे डायग्राम्स में देख सकते हैं ब्रायोफिलियम की लीफ है, इसमें स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे लीव्स हमारे एक बिग लीफ के ऊपर फॉर्म होते हैं और यहाँ से ही ये हमारा न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा पोटैटो का एग्जाम्पल है, इसमें जब बहुत टाइम के लिए पोटैटो अगर रख दिया जाता है तो इसमें छोटे छोटे ग्रीन कलर के शूट्स होते हैं जो कि डेवलप हो जाते हैं और यहाँ से अगर हम लोग कट करके इसको सॉयल में ग्रो कर दें तो यहाँ से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये बाय स्टेम मेथड हो जाता है। और इसी तरीके से ये हमारा स्वीट पोटैटो का एग्जाम्पल है,
जिसमें जो रूट्स होती हैं इसके थ्रू यहाँ पे एक न्यू प्लांट्स डेवलप होते हैं, और न्यू शूट डेवलप होने के बाद एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारे बेसिकली नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एग्जाम्पल से एक बार रीड आउट देख लेते हैं। इसमें लीव से कैसे होता है, लीव्स ऑफ सम प्लांट्स प्रोड्यूस एडवेंचर्स बर्ड्स ऑन देयर मार्जिन, दस द बर्ड्स डेवलप इन टू द न्यू प्लांट। मैंने आपको बताया ब्रायोफिलियम की लीफ होती है, इसमें छोटे छोटे पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं और यहीं से हमारा न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। स्टेम में कैसे होता है, इन मैनी प्लांट्स अंडरग्राउंड स्टेम प्रोड्यूस एरियल शूट्स एनुअली अंडर फेवरेबल कंडीशन, जैसे छोटे छोटे यहाँ पे शूट्स डेवलप हो जाती हैं, जब हम इन्हें कट करके ग्रो करते हैं तो एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। रूट्स हो गए, रूट्स प्रोड्यूस एडवेंचरस बर्ड्स विच डेवलप्स इनटू द न्यू प्लांट्स, यहाँ से छोटी छोटी बर्ड्स प्रोड्यूस होती हैं जिसकी वजह से एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारे हो गए नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब हमारा आता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल नेचुरल तो देखो जो वो बेसिक चीज़ें हैं कि जहाँ से हम लोग नेचुरली, जैसे सपोज जितनी भी थी वो सारी चीज़ें बाय नेचुरल थे। अब आर्टिफिशियल में आता है कि हम लोग आर्टिफिशियली ऐसा कौन सा काम कर सकते हैं जिससे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड आता है इसमें कटिंग। कटिंग में क्या होता है कि बेसिकली कोई भी एक प्लांट होता है उसे एक पार्ट से हम लोग कट कर देते हैं, कट करने के बाद हम न्यू न्यू जगह न्यू सॉयल में उसको प्लांट आउट कर देते हैं और वहाँ से एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। मींस इसमें ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व हुई कि हमने एक पेरेंट प्लांट से वहाँ पे कोई छोटा सा पार्ट कटआउट किया और उसको सैंड में सॉयल में ग्रो किया जिससे न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हुआ। तो ये हमारा कटिंग हो गया। इन दिस मेथड स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कट एंड बरीड प्लेंटी इन टू द मॉइस्ट सॉयल, दस कटिंग डेवलप्स रूट एंड ग्रो इन टू द न्यू प्लांट। जैसे हो गया रोज का, हो गया शुगर केन, हो गया पोटैटो, हो गया कैक्टस, हो गया, ये बेसिकली ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ पे ये सिस्टम फॉलो होता है। मीन्स अगर हम इस पार्ट का, जैसे रोज है, अगर रोज की कोई भी ब्रांच है उसको हम कट करके ग्रो करते तो एक न्यू रोज प्लांट का फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं। दूसरा हमारा आता है ग्राफ्टिंग। टू प्लांट्स ऑफ, इसमें क्या होता है बेसिकली एक प्लांट की जो स्टेम होती है उसको हम लोग वी शेप में कट करते हैं इस तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हैं। और एक हमारा दूसरा होता है जिसमें हम लोग हल्का सा कट मार्क लगाते हैं जिसके थ्रू हम लोग दूसरे प्लांट को इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक हम कह सकते हैं कि क्लॉथ से या किस छोटे से मतलब पार्ट से उसको टाई अप कर देते हैं और जिसकी वजह से हम लोग इसमें न्यू प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ग्राफ्टिंग की प्रोसेस। टू प्लांट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड वेराइटीज आर ज्वाइंट इन टू सो दैट दे लिव ऑन वन प्लांट। दिस प्लांट ऑफ विच रूट्स रिमेन्स इन द सॉइल इज कॉल्ड एज अ स्टॉक, एंड कटिंग पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज ग्राफ्टेड ऑन द अदर रूटेड पार्ट इज कॉल्ड एज अ स्काइन। ये हमारे दो होते हैं, जो पार्ट हमारा सॉइल में रह जाता है उसकी स्टेम को हम लोग स्टॉक कहते हैं, और जो अलग से हम प्लांट आउट कर रहे हैं उसे हम सियाइन बोलते हैं। ये हमारा बेसिकली मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, लेमन हो गया, इन सब में हम लोग इस चीज़ को फॉलो आउट करते हैं। जैसे सपोज हमें किसी भी दो प्लांट्स हैं उनकी सपोज अलग अलग वेराइटीज़ हैं और उसको एक ही में हमें कंबाइन करना है, तो इस तरीके मेथड से हम लोग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड जो आता है हमारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, वो है लेयरिंग का। लेयरिंग में हमारा बेसिकली कुछ भी नहीं होता है, कोई भी हमारा सिंपल प्लांट होता है वो जब उसकी जो ब्रांचेस होती हैं उसको हम लोग सॉयल के अंदर बरी कर देते हैं, और बरी करने के बाद ऊपर से सॉयल कवर कर देते हैं। कवर करने के बाद जो हमारी जो ब्रांच है जिसको हमने सॉयल से कवर किया है उसमें छोटे छोटे रूट्स डेवलप हो जाते हैं और एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन उसी पार्ट से डेवलप हो जाता है। ये हमारा बेसिकली लेयरिंग का प्रोसेस होता है। इन दिस मेथड ब्रांच ऑफ द पेरेंट प्लांट इज बरीड इन द सॉयल, द पोर्शन ऑफ द ब्रांच विच इज कॉन्टैक्ट विद द सॉयल प्रोड्यूसेस द रूट, एंड दिस रूटेड ब्रांच इज कॉल्ड एज अ लेयर। लेयर इज देन डिटैच फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड एक्ट्स एज अ न्यू प्लांट, जैसे जैस्मिन हो गया, हिबिस्कस हो गया, इसमें बेसिकली ये चीज़ फॉलो की जाती है। जो सॉयल होती है जो इसके ऊपर कवर्ड होती है, इस पार्ट से अगर हम इसको कट कर दें तो ये एक न्यू प्लांट के फॉर्मेशन ले लेती है। इसके बाद जो हमारा आता है लास्ट, दैट इज टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रपोगेशन। सेल्स और द टिश्यूज विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट कॉल एक्सप्लेंट्स। द एक्सप्लांट
develop into undifferentiated mass of the cells called as a callus in the proper cultural medium. The callus is transferred to the another medium containing the hormones for the growth and differentiation that forms plantlet. The plantlet are transported into the pot or the soil to form the mature plant. This technique is known as a micropropagation. Example orchards. इसमें basically micropropagation में क्या होता है कि एक हमारा plant होता है उसमें से हम कुछ parts जो होते हैं जो जैसे suppose गिर जाते हैं जैसे leaves हो गई और जैसे हम लोग और कुछ भी जैसे तुलसी का प्लांट ले सकते हैं उसमें छोटे छोटे हमारे ऊपर टिप पे हमारे पॉइंट्स होते हैं जिसमें छोटे छोटे सीड्स हम लोग कह सकते हैं जो कि गिर जाते हैं सोयल में. उन्हें हम लोग कलेक्ट करके एक नेचुरल पॉट होता है उसके अंदर डिपॉजिट कर लेते हैं और उसको प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उन्हें प्रॉपर हम प्रोवाइड करते हैं और जब वहाँ से न्यू प्लांट्स हमारे डेवलप हो जाते हैं तो हम लोग उसे अलग अलग जगह ग्रो कर देते हैं. ये हमारा बेसिकली माइक्रो प्रोपोगेशन का प्रोसेस होता है और इस तरीके से हम लोग न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं. अब हम लोग देख लेते हैं बेसिकली हमारे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं. इट इज़ अ रैपिड चीप एंड ईजी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट्स. बेसिकली हम लोग इस मेथड के थ्रू ये आर्टिफिशियल हो गया नेचुरल हो गया इन सब के थ्रू हम लोग न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन ईजिली कर सकते हैं. सपोज हमारे पास एक रोज का प्लांट है और हमने उसे कट कट करके अलग अलग प्लांट आउट कर दिया तो हम एक प्लांट से ही डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लांट्स को डेवलप कर सकते हैं. ग्राफ्टिंग के थ्रू हम लोग डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लांट्स को डेवलप कर सकते हैं. मीन्स बेसिकली इस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की प्रोसेस से कि एक तो पहली चीज़ बहुत चीप होता है. अगर हमारे पास एक प्लांट अवेलेबल है तो उस एक प्लांट से हम लोग हंड्रेड ऑफ प्लांट्स डेवलप कर सकते हैं. डिजीजेस फ्री प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस. ऐसे प्लांट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं जो कि डिजीज से बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री हों. सस्पिशियस क्वालिटी फ्रूट्स और फ्लावर्स कैन बी प्रोड्यूस बाय द ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग की हेल्प से हम लोग बेटर क्वालिटी के फ्रूट्स और फ्लावर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स आर प्रोड्यूस. जो हमारे जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स होते हैं इस मतलब एक प्लांट से ही दूसरे उसके सेम ऑफ स्प्रिंग्स मीन्स एक ही जेनेटिक के हमारे प्लांट्स हैं उस तरीके से हम लोगों को प्रोड्यूस कर सकते हैं. प्लांट्स रेस बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड्स. और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जो हम प्लांट को डेवलप करते हैं उसमें फ्रूट्स और फ्लावर्स जो है वो जल्दी से आ जाते हैं इन कंपेरिजन टू दैट विच आर ग्रोन फ्रॉम द सीड्स. तो ये हमारा बेसिकली हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. होप्स हो आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा. इन केस अगर इस पूरे ही वीडियोस में इस पूरे ही टॉपिक में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के अपने डाउट्स को क्लियर आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्लास से हम लोग आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग.